हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैट 2003 से लेके 2019 तक की पूरी जर्नी के बारे में। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छी अगर हमें रैंक लानी है या बहुत अच्छे परसेंटाइल लाने हैं तो हमें उस एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न पता होना चाहिए, है ना। आपने कभी भी किसी टॉपर का इंटरव्यू भी देखा होगा जो एग्ज़ाम्स में टॉप करते हैं तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करते हैं? क्योंकि उनको पैटर्न को समझना होता है एग्ज़ाम का। तो आज हम लोग 2003 से लेकर 19 तक पूरा पैटर्न समझेंगे, कब कब चेंज हुआ है, क्यों हुआ है। और एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम एग्ज़ाम में टॉप करना है तो हमें पूरा एग्ज़ाम का साइकोलॉजी भी पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्यों लेते हैं, इतने सेक्शन क्यों लेते हैं, मैथ्स एलआर डीआई क्यों लेते हैं, इंग्लिश क्यों लेते हैं, ये सब की बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज काफ़ी सारी हम लोग ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको अभी तक मालूम ही नहीं होंगी। तो देखिए, आज के वीडियो में अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं जो कि आपको काफ़ी मज़ा आएगी सुन के और आपको नहीं मालूम होंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हाँ। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैट 2020 जो होगा इजी होगा या टफ होगा, ठीक है। उम्मीद है कि लास्ट तक आते आते इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। तो ध्यान से अपन देखते हैं। ये स्क्रीन पे आपको लिस्ट दिख रही होगी, इसमें कैट 2003 से लेके 2019 तक ये पूरा लिखा हुआ है कि कब कब कौन से ईयर में कैट किसने कंडक्ट करवाया था और नंबर ऑफ सेक्शंस कितने होते थे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैट 2003 से 8 तक का पैटर्न, फिर 9 टू 16, देन 16 टू 19, ठीक है। काफ़ी मजा आएगी, ध्यान से सुनिएगा। पहले बात कर लेते हैं हम लोग कैट, देखिए कंडक्ट कब कब हुआ था और कौन से ईयर में किस एम ने कंडक्ट करवाया था, है ना। तो आप लोग जो गूगल पे सर्च करते हो या इधर उधर सर्च करते हो, अब आपको ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। तो देखिए 2003 से अगर आप 9 तक ध्यान देंगे तो अहमदाबाद बेंगलोर ऐसे ही चलते आ रहा था, है ना। कभी अहमदाबाद ले रहा था, कभी बेंगलोर ले रहा था, ठीक। 2010 से चालू हुआ था, फिर लखनऊ, कोलकाता, कोझीकोड, फिर क्या हुआ, सिक्स एम्स में ये डिसाइड हुआ कि हर साल एक एक एम कैट कंडक्ट करवाएगा। तो 9, 10, 11, 12 देखिए सब अलग अलग एम्स हैं। 13 और 14 के बारे में मैं डिस्कस बहुत ही डिटेल में करूँगा, इससे आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि आपके मन में जो एक क्वेश्चन आता है ना कि अगर इस आईएम ने कंडक्ट कराया तो पेपर इजी होगा, उस आईएम ने कंडक्ट कराया तो पेपर टफ होगा। तो मैं आपको कैट 2013 और एक 14 का बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा आगे, जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कैट 2013 और 14 दोनों आईएम इंदौर ने कंडक्ट करवाए थे, ठीक है, ठीक। फिर 15, 16, 17, 18, 19, है ना। 15 अहमदाबाद, देन बेंगलोर, लखनऊ, कोलकाता, कोझीकोड। उम्मीद है कि कैट 2020 आई एम इंदौर कंडक्ट करवाएगा, है ना। तो इंदौर के बारे में डिस्कस करना जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि 13 और 14 भी उसने कंडक्ट करवाया था, ठीक है। आपको मेरी पॉइंट समझ में आ गया? तो ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल जाएगी, 13 और 14 में जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तो 20 का एक थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको लग ही जाएगा, है ना। अभी चांसेस हैं कि इंदौर कंडक्ट करवाएगा, आगे कुछ चेंज हो तो आज की मेरी डेट याद रखिएगा, इस डेट तक अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक। तो चेंज हो तो उसके बारे में अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप पैटर्न तो समझ ही सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैट 2003 से लेकर 2008 तक की। कैट 2003 और उसके पहले हमेशा ऑफलाइन हुआ है, ये तो आपको पता ही होगा, और 2003 से 8 भी जो था वो ऑफलाइन एग्ज़ाम ही था। 2003 से 8 तक में कैट में 3 सेक्शंस आते थे, है ना। अब क्योंकि ये ऑफलाइन था तो इसमें हम कोई सा भी सेक्शन पहले, कोई सा भी बाद में और मिक्स करके क्वेश्चंस भी कर सकते थे। तो नॉर्मली उस समय तरीका ये होता था कि हम पहले इजी क्वेश्चंस कर लेते थे, तीनों सेक्शन के एक साथ ही भले ही कर लेते थे, है ना। और सबका अपना अलग अलग तरीका था, ठीक है। अभी मैं आपको कैट 2003 के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा, ठीक है। पहले पैटर्न को समझ लेते हैं। तो ये जो 3 सेक्शंस होते थे, है ना, पेन पेपर बेस्ड पेपर था तो आप कोई सा भी सेक्शन कभी भी पहले बाद में कर सकते थे। लेकिन एक चीज़ आपको नहीं पता होगी, अगर पता हो तो अच्छी बात है, ये जो 2003 से ही हमने डेटा लेना चालू किया है वो इसलिए किया है क्योंकि ये जो कैट था 2003 से 8, ये अभी तक के कैट जितने भी हुए हैं उनमें सबसे टफ क्वेश्चंस जब आपको मिलेंगे वो इन्हीं ईयर्स में मिलेंगे, है ना। इसके बाद तो कैट काफ़ी ईजी हो चुका था, है ना, कैट 2008 के बाद ईजी होना चालू हो गया था,
बीच में एक ईयर आया था जब कैट का एग्जाम बहुत टफ हुआ था, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन 2003 से 8 ये जितने भी आपको कैट के टफ क्वेश्चन दिखते हैं जो आपसे कई बार सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम जाती है, ये कैट 2003 से लेके 2008 तक के इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं। ये जब कैट होता था काफ़ी टफ होता था। और एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, कैट 2003 से 8 जो होता था इसमें एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं होता था कि पैटर्न क्या आने वाला है, ये सबसे मेन चीज़ थी। कभी कैट में 75 क्वेश्चन आ जाते थे, कभी कैट में 90 क्वेश्चन आ जाते थे, टाइम फिक्स था 3 आवर्स का, है ना। लेकिन पैटर्न आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाते थे तभी पता चलता था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी। पहले से आपको पैटर्न ही नहीं पता होता था, सोचो इमेजिन करो कितना अच्छा होता होगा। तो जितने भी इंस्टीट्यूट होते थे उस समय जो कैट की प्रिपरेशन कराते थे, तो उनकी जो मॉक टेस्ट सीरीज़ होती थी वो किसी मॉक में बच्चों को कैसे तैयार करते थे, किसी मॉक में ज़्यादा क्वेश्चन दे देते थे, किसी में कम क्वेश्चन दे देते थे, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता था और बहुत मज़ा तब आती थी जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे बैठते थे, तब आपको पैटर्न पता चलता था कि अच्छा इस बार ये पैटर्न है। लाइक अभी थोड़ा बहुत IFT में जैसा होता है ना, IFT में नॉर्मली हमें उसी समय पता चलता है कि पैटर्न कैसा होने वाला है, क्लियर। तो कैट भी वैसे ही होता था। तो कई बार अच्छा एक और चीज़ होती थी, कई बार ऑप्शंस 4 आते थे, कई बार 5 ऑप्शंस आ जाते थे, तो आपको उसी समय पता चलता था कि 4 ऑप्शन का है कैट की 5 ऑप्शंस का है, और क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होता था, ठीक। फिर इसके बाद 2009 से क्या हुआ, कैट ऑनलाइन होना चालू हो गया। 2009 से क्या हुआ, कैट ऑनलाइन होना चालू हो गया था। अच्छा जितने भी चेंज मेजर होते हैं आप हमेशा ध्यान देना, मैक्सिमम केसेस में IIM अहमदाबाद उस साल कैट कंडक्ट करवाता है, तो जब भी कुछ मेजर चेंज होता है या कुछ पैटर्न में चेंज होता है, मैक्सिमम केसेस में, ऐसा नहीं कि हर केस में, कभी कभार कुछ दूसरे IIM भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन IIM अहमदाबाद जब भी आता है कुछ ना कुछ चेंज जरूर लाता है। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देखना, 9 में ऑनलाइन हो गया था, फिर इधर आपको अहमदाबाद दिख रहा होगा 15 में, तो 15 से पहले देखना दो दो सेक्शन होते थे, 15 में ऑटोमेटिक 3 सेक्शंस होने लगे, ठीक। तो ये सब बातें करेंगे अभी हम, है ना, कि 2 सेक्शंस में भी क्या होता था ये भी बताऊँगा। तो 9 से कैट क्या हुआ था, ऑनलाइन कंडक्ट होना चालू हो गया था। तो जब शुरुआत में कैट ऑनलाइन कंडक्ट हुआ था तब 20 डेज चलता था, पर डे 2 स्लॉट्स होते थे, रैंडम बच्चों को स्लॉट मिलता था, है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें क्या होता था, रिपीट हो जाते थे, तो काफ़ी क्वेश्चंस लीक भी हो जाते थे, है ना, क्वेश्चंस इधर उधर से बच्चों को पता चल जाते थे, तो ये एक ड्रॉबैक मुझे लगता है जो होता था उस समय, ठीक। ऐसा चलते रहा 9, 10, 11, 12, इन सब में 20 डेज होता था। 13 से आई थिंक 2 डेज का होना चालू हो गया था, है ना। फिर फाइनली एक ही दिन में 2 स्लॉट चालू हो गए थे, ये अभी जो रिसेंट चल रहा है कैट इसमें 1 दिन में 2 स्लॉट होते हैं, ठीक। इस तरीके से इसकी जर्नी रही है। अब अगर आप ध्यान दो तो 9, 10, 11, 12 ये सब कैट जो थे काफ़ी ईजी थे। तो 9 से 3 से 8 की तो हमने बात कर ली। अच्छा हाँ, 3 से आपको एक चीज़ बताना भूल गया, कैट 2003 अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, इसका पेपर लीक हो गया था, है ना। तो कैट 2003 में 2 टाइम्स हुआ था, है ना, पहला पेपर जो लीक हो गया था, उसके बाद दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, है ना, अहमदाबाद नहीं, तो कैट 2003 में 2 बार हुआ था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप में से LR का एक क्वेश्चन कई लोगों ने किया होगा, वो मास्टरमाइंड वाला क्वेश्चन है ना, जिसमें वो पेपर लीक हो जाता है, फिर वो CBI उसकी जांच करती है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है, मतलब वो आप बिना सॉल्यूशन देखे कर लोगे अगर, और सारे आंसर सही होंगे, तो आप मान के चलना आपकी LRTI बहुत स्ट्रांग है ना। ये मास्टरमाइंड वाला क्वेश्चन कैट 2003 के लीक पेपर में आया था। अब आप सोचो जैसे ही पेपर लीक हुआ उसके बाद जब कैट ने दोबारा कंडक्ट कराया विद इन 1 or 2 months, है ना, वो मास्टरमाइंड वाला क्वेश्चन तक बना डाला उन लोगों ने। तो कितने रियल क्वेश्चंस बनाते हैं ये लोग, कितना ज़्यादा दिमाग लगा के क्वेश्चंस बनाते हैं। एक चीज़ मैं आपको एक और बता दूं, कैट भले इजी हो या टफ हो, मैथ्स उसका इजी टफ होता रहता है, लेकिन LRTI का जो इनका सेक्शन है ये इन्होंने हमेशा मीडियम टू हाई लेवल मेंटेन रखा है। LRTI कभी भी इन्होंने ईजी नहीं पूछा, ठीक है। अब एक आध दो क्वेश्चन तो देखो पूरे 8 सेट रहते तो ईजी आ ही जाते हैं, तो फिर वो बैंक के एग्जाम्स वाले क्लेम करने लगते हैं कि अब कैट ईजी आने लगा, बैंक की LRTI ज़्यादा टफ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेंदी और टफ में बहुत मेजर फर्क होता है, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि टफ है, है ना, टफ क्वेश्चन अलग ही होते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े, ठीक। तो कैट के क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है,
एक चीज़ आप और ध्यान रखना, कैट ने कभी भी कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, वो हमेशा फोकस करता है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनका दिमाग पे। अगर आप अच्छा दिमाग यूज़ करोगे, शांत मन से अच्छे से एग्ज़ाम दोगे, कूल माइंड होके, है ना, और आप अच्छा प्रॉपर अपना माइंड का यूज़ करोगे 100%, तो कैट में आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। बेसिक कंसेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो कैट में एक बहुत अच्छा स्कोर आप ले आओगे। तो एक चीज़ मेरी हमेशा ध्यान रखना, कैट कैलकुलेशन पे फोकस मत नहीं करता, तो आप भी उस पर ध्यान मत देना। अभी तो वो कैलकुलेटर भी अलाउ कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना, तभी कैट में आपके एक बहुत अच्छे परसेंटाइल आएंगे, है ना। एक बार कंसेप्ट बन जाए फिर आप उस पर आना कि स्पीड और इन सब बातों पे, सॉरी बाद में बात करना, ठीक है, कंसेप्ट पे ध्यान देना। अब हम बात करते हैं 2009 to 16। जैसा कि मैंने कहा था कि 9 से कैट ऑनलाइन हो गया था, फिर वो विंडोज़ थी 20 डेज की, है ना। 9 to 16 मैंने अलग स्लॉट इसलिए बनाया है क्योंकि 2009 से लेके 2016 जो है इसमें कैट ने ऑफिशियल पेपर कभी लॉन्च किया ही नहीं, है ना। कैट का ऑफिशियल पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जितने भी आप लोग ऑनलाइन देखते हो क्वेश्चंस कि ये कैट 2009 में आया था, 16 में आया था, इधर उधर आया था, या आप कोई बुक खरीदते हो, है ना, मेरा मानना है कि उनमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो रियल कैट में पूछे ही नहीं गए हैं, क्योंकि बीच में कुछ कैट मैंने दिए हैं और जब मैं वो बुक्स देखता हूँ तो वो क्वेश्चंस उसमें दिखते ही नहीं हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके पास सोर्स हो, तो उसमें अगर आपको 2009 से 2016 तक के क्वेश्चंस किसी भी बुक में लिखा रहता है कि 9 या 16 में आया था, तो मान के चलना वो क्वेश्चन रियल कैट का नहीं है। मेमोरी बेस्ड रहते हैं, काफ़ी क्वेश्चन उसमें रहते ही नहीं हैं जो कैट में आए थे, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है। और अगर आए थे तो वो दिखा दें, है ना, प्रूफ के साथ, ठीक। तो 2009 से लेके 2016 तक के आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। कई क्वेश्चन मेरा मानना है कि उसमें वैसे रहते ही नहीं है जैसा कि आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक। तो 9 से 16 का इसलिए मैंने अलग से स्लॉट बनाया था कि इसमें कैट ने ऑफिशियल पेपर कभी लॉन्च नहीं किया। ये इन्फॉर्मेशन भी कई लोगों को जो नहीं पता होती, इसलिए मैंने बता दी कि ऑफिशियल पेपर आपको 2009 से 16 नहीं मिलेगा, 2008 तक का आपको मिल जाएगा, फिर 17, 18, 19 ये आपको ऑफिशियल पेपर मिल जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 17 to 19, थोड़ी देर बाद इस पे आएंगे। अब आपको मैं बता देता हूँ कैट 2013 और 14, अच्छा बाद में बताऊँगा ताकि आपका 20 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब 17, 18, 19 का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, छोटा सा ही पार्ट है। कैट 2017, 18, 19, जैसा कि आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें कैट ने ऑफिशियल आंसर की और ऑफिशियल पेपर देना चालू कर दिया था, तो आपको जहाँ भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो रियल कैट के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब देखिए कैट 2011, 12, 13, 14 इसमें क्या होता था, 11 से 14 में 2 सेक्शंस आते थे। कैट 2011 से 14 की बात करता हूँ, ये 2 सेक्शंस क्या होते थे मैं बता देता हूँ। इसमें वर्बल एबिलिटी के साथ ये लोग LR को मर्ज कर देते थे और क्वांट के साथ DI को मर्ज कर देते थे। तो ये एक्सपेरिमेंट भी कैट वाले कर चुके हैं, वर्बल और एबिलिटी का, वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग का एक सेक्शन होता था, क्वांट और DI का एक सेक्शन होता था, 2 सेक्शन होते थे, है ना। इसमें कई ईयर में हम लोग सेक्शन में स्विच कर सकते थे। फिर 15 में आ गए IIM अहमदाबाद वापस से, उन्होंने 3 सेक्शंस वापस से कर दिए और पर्टिकुलर हर सेक्शन के लिए 1 आवर फिक्स कर दिया, और आप सेक्शन स्विच भी नहीं कर सकते। तो 15 से जो कैट चलता आ रहा है, पहले वर्बल एबिलिटी, देन LRDI, देन क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ये 3 सेक्शन आ रहे हैं, 1 1 आवर फिक्स है, आप सेक्शन स्विच नहीं कर सकते, और ये पैटर्न अभी तक इतने सालों से चलता आ रहा है, उम्मीद है कि जल्दी चेंज होगा, है ना, क्योंकि कैट का रिकॉर्ड है बहुत ज़्यादा समय तक इतना पैटर्न सेम वो रखते नहीं है, ठीक है। तो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आप ये मान के चलना, हो सकता है पैटर्न चेंज हो, ठीक, चीज समझ में आ गई। अब देखिए 13 और 14, ये मैंने स्पेशल सेशन इसलिए ले रहा हूँ कैट 13 और 14 के लिए, क्योंकि दोनों किसने कंडक्ट करवाए थे, कैट 2013 और कैट 2014, इंदौर ने, इंदौर, और 20 भी कौन कंडक्ट करवाने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली इंदौर, ठीक है। अब
कई बार मेरे पास ऐसे मेल आते हैं या बच्चे पूछते हैं कि सर आई एम इंदौर पेपर बना रहा है तो पेपर इजी होगा कि टफ होगा, अहमदाबाद बना रहा है तो पेपर इजी होगा कि टफ होगा। तो इसका सिंपल सा जवाब है, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं होता कि ये आई एम बनाएगा तो इजी होगा, वो आई एम बनाएगा तो टफ होगा। वो जो भी आई एम बना रहा हो उस समय जो भी कमेटी डिसाइड करती है कि इस साल कैसा पेपर का पैटर्न होना चाहिए, उस हिसाब से पेपर बनता है। अगर वो डिसाइड करते हैं कि क्वांट इजी रखना है तो क्वांट को इजी रखेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि क्वांट को टफ रखना है तो टफ रखेंगे। ठीक, अब 13-14 का एग्जांपल क्यों लिया, अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि 2003 से 8 तक कैट टफ आता था और फिर बीच में एक साल ऐसा था कि कैट का पेपर बहुत टफ आया था, वो ईयर था कैट 2013। अभी तक के जो कैट हैं उसमें कैट 2013 ऐसा है जो अभी तक के कैट में एक टफ कैट माना जाता है, काफ़ी टफ उस समय का ये कैट था। ठीक है, तो कैट 2013 में इवन मैं आपको बताऊं 60 क्वेश्चंस में से 27 भी जिसके करेक्ट थे उसके 99% आ गए थे, है ना, ये मैं ही था है ना, इसलिए मुझे ये डाटा पता है। एंड आउट ऑफ 60 क्वेश्चन जिसके 27 सही थे उसके 99% आ गए थे ओवरऑल, तो सोचो कितना टफ होगा, आधे से भी कम क्वेश्चन करने पे आपके 99% आ गए थे। ठीक है, दो सेक्शन होते थे, वर्बल एबिलिटी और LRDI और दूसरा क्वांटो DI, है ना, LR वर्बल एबिलिटी और LR फिर क्वांटो DI। ठीक, और इस कैट में इवन आउट ऑफ 60 जिसने 15 क्वेश्चन भी करेक्ट कर दिए थे उसके भी 90% आ गए थे, तो आप खुद ही समझ जाओ इन क्वेश्चंस। और शायद कैट 2013 का ही है, एग्जैक्ट मुझे शायद याद नहीं है, लेकिन मैं बता दूं 0 मार्क्स पे 55% शायद इसी कैट में आए थे। तो अगर आप लोग काफ़ी जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हो ना कि क्वेश्चन छोड़ के भी कैट में अच्छे परसेंटाइल आ जाते हैं, वो सिर्फ इसी कैट में हुआ था। तो आप ये मत सोचना कि 0 नंबर पे अभी भी आपके 55 आ जाएंगे, वो सिर्फ एक कैट में हुआ था जब कैट बहुत टफ आ जाता है। ठीक है, तभी ऐसी कुछ हरकतें होती हैं, नहीं तो वो होते हैं ना 2 दिन में कैट में 100% कैसे लाएं, ऐसे वीडियोस देख के कभी मोटिवेट मत हुआ करो। ठीक, इसलिए एनालिसिस लेना बहुत ज़रूरी था। जब कैट बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है कभी तभी ऐसा कुछ होता है ऊपर नीचे, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब कैट 2014 की बात करें तो जैसा कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा मार्क्स से और क्वेश्चन से कि कैट कितना टफ था, कितने क्वेश्चन पर कितने परसेंटाइल आए थे, वहीं हम बात करें कैट 2014 की, तो कैट 2014 अभी तक का सबसे इजी कैट था। अब बनाया तो दोनों आई एम इंदौर ने था, तो ऐसा कैसे हो गया, इंदौर था तो उसको दोबारा भी टफ बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कभी भी आप दिमाग में ये मत रखना कि कैट कौन सा आई एम बना रहा है तो वो ईजी बनाएगा या टफ, क्योंकि कैट 2014 ऐसा था कि आपसे उसका हर क्वेश्चन बन रहा था और कई क्वेश्चन तो ओरल बन रहे थे। आप मान के चलो जैसे लो लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, अब नाम नहीं लूँगा बुरा मान जाएंगे, लेकिन उन लो लेवल के एग्ज़ाम्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं जो ओरल हो जाते हैं, कैट 2014 बिल्कुल ऐसे ही था। इवन कई लोग बोल रहे थे कि इतना इजी पेपर था, हमने साल भर इतनी मेहनत क्यों की इस पेपर के लिए, इसके क्वेश्चन तो हमसे ऐसे ही बन रहे हैं। ठीक, तो मेरा एक पॉइंट आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ शायद समझ में आ गया होगा कि कैट 2013 भी इंदौर ने बनाया था और 14 भी इंदौर ने बनाया था, लेकिन कैट 2013 आज तक का सबसे टफ पेपर था, यानी वन ऑफ द टफ पेपर, एंड कैट 2014 सबसे इजी एग्जाम्स अभी तक जितने भी कैट हुए सबसे इजी, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन कोई माने तो वो था कैट 2014। ठीक है, तो कभी भी आप ये मत समझना कि कौन सा एम बना रहा है तो ईजी बनाएगा या टफ, इसलिए मैंने ये इंदौर का एग्जाम्पल लिया। फिर 15, 16, 17 धीरे धीरे टफ होते गए, है ना, लेकिन अभी तक भी बहुत टफ नहीं आया जैसे 2013 था, है ना। कैट का लेवल पिछले काफ़ी सालों से मैथ्स का खास तौर से बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही रहता है। अभी 13 के बाद अभी तक कोई बहुत टफ कैट हुआ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अगर हाई लेवल देखो 13 से तो कमी था, लेकिन कैट 2018 का मैथ्स थोड़ा सा ठीक था, है ना, लेकिन 13 से इजी ही था। ये बात बोलनी चाहिए कि 16 और 17 से टफ था और 19 से भी टफ था। ठीक, तो ये हो गया। लेकिन हाँ, LRDI की अगर सेक्शन की बात करें तो LRDI कभी भी बहुत इजी नहीं आई। हाँ, एक दो सेट बहुत ज़्यादा इजी आ जाएँ तो उसका ये मतलब नहीं कि आप पूरी LRDI को इजी बोलने लगो। 8 सेट आते हैं ना, 32 क्वेश्चन, 32 में अगर 6-7 ईजी आ जाएँ, है ना, तो ये नहीं कि पूरा LRDI ईजी आ गया। तो LRDI में कैट ने हमेशा अपना एक लेवल बना के रखा है
और टफ लेवल मॉडरेट टू टफ बना के रखा है, तो उसकी आपको एक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, अब जितना मैंने इतनी देर में बातें की, तो एक्सपेक्टेशन इन कैट 2020 अब मेरे को लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, है ना। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब तक कैट का एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक आप दिमाग में मत लाना इजी आएगा कि टफ। पिछले ईयर्स के पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ। ठीक है, हमारा जो कैट 2020 का कोर्स है, अभी तक जिन लोगों ने परचेस नहीं किया वो परचेस करें। ठीक है, जिनके साथ फाइनेंशियल इशू है तो उनके लिए हमारे ही यूट्यूब चैनल में मोर देन 130 वीडियोस हैं फ्री में जो अवेलेबल हैं। उसमें कैट 1990 से लेके अभी तक के आपको काफ़ी सारे मैथ्स तो कंप्लीट मिल जाएगी और LRTI के भी काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व। ठीक है, और बाकी जिन लोगों को हमारा मैथ्स का वीडियो कोर्स और LRTI का वीडियो कोर्स परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन पे वो लोग लिंक देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारा आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप कैट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें नई नई समझ पाए होंगे, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।